हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक में बात करेंगे और ये है पैन कार्ड को लेकर। वेल, अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर ऑफलाइन, तो कुछ इस टाइप का आपको फॉर्म भरना होता है और इस फॉर्म को हम कहते हैं फॉर्म 49A। और अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होता है। लेकिन जनरली होता है क्या है, जब आप फॉर्म के लास्ट में आते हैं यानी कि फॉर्म का कॉलम नंबर 16, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है जिसको भरने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, और वो होती है ये, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ। तो ज़्यादातर तो लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं इनको, इस यानी कि इस कॉलम में क्या भरना होता है। और मैंने देखा कि लोग नेट में काफ़ी सर्च मारते हैं, तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो वेल, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आते हैं वापस वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो कॉलम होता है इन द कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे क्या भरना होता है। तो इसके लिए समझाने के लिए मैं एक ऑनलाइन साइट पे जाऊँगा जो पैन कार्ड बनाती है, वहाँ के उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊँगा कि एक्चुअली यहाँ पर क्या भरना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख रखा है आई हेयर टू डिक्लेयर डेट वॉट एवर स्टेटेड अबव इज ट्रू इन द कैपेसिटी ऑफ। तो यहाँ भी वही बात पूछी गई है, कैपेसिटी ऑफ जो कि इस ऑफलाइन फॉर्म जो है इसमें पूछी गई इन द कैपेसिटी ऑफ। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें भरना होता है और क्या चीज़ वैलिड है जो कि इसमें भरना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑप्शन खुल के आते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शन दिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ऑप्शन में। तो देखिए भरना क्या होता है, अगर आप ये फॉर्म खुद भर रहे हैं यानी कि आपने खुद भरा है, अपनी डिटेल डाली, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा हिमसेल्फ हरसेल्फ। अगर आपका फॉर्म कोई और भर रहा है तो उस कंडीशन में जो भी इंसान भरेगा वो चूज़ करेगा रिप्रेजेंटेटिव SEC। अगर आप फैमिली के हेड हैं और आप अपने परिवार का किसी अन्य सदस्य का पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो आप चूज़ करेंगे कर्ता। या अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, अपने कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो जो भी टाइप का बिज़नेस है यानी कि अगर आप बिज़नेस के पार्टनर हैं तो आपको चूज़ करना होगा पार्टनर। और उसके और बाकी केस में भी यही है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं, कंपनी चलाते हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर के पर्पज़ से अगर कंपनी का आप पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको चूज़ करना होगा डायरेक्टर। लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल के तौर पे जो आपको चूज़ करना होगा वो होगा हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो उसी तरह आपको इस जो ये वाला कॉलम होता है इन द कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे अगर खुद आप ये फॉर्म भरें तो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं या हिमसेल्फ या हरसेल्फ लिख सकते हैं। सबसे बेटर होगा आप यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख दें तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। तो वेल, यही है इस कॉलम में भरना होता है और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस कॉलम में एक्चुअली क्या भरना होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई इस टाइप की एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।